यहाँ पे बड़ी खबर। दरअसल अमरवाड़ा उपचुनाव से पहले मंत्रिमंडल की सूचना है, कल सुबह 9 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल सुबह 9 बजे नए मंत्री जो भी कैबिनेट में शामिल किए जाएंगे वो शपथ ले सकते हैं। माना यह जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि रामनिवास रावत है वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो कल मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। अमरवाड़ा उपचुनाव है, उससे पहले पहले देखिए ये मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय माना जा रहा है। अब ये जानकारी मिल रही है कि कल ही सुबह 9 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर इस वक्त मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, और ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का। कल मंत्रिमंडल विस्तार की जानकारी मिल रही है। अमरवाड़ा में उपचुनाव होने वाला है, 13 जुलाई को वहां पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये मंत्रिमंडल विस्तार की जानकारी। और इस वक्त हमारे साथ भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ संदीप भमरकर फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या जानकारी मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई, क्योंकि एक तरफ तो ये जानकारी मिल रही है कि कल मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, जानकारी ये भी है कि रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, और क्या डिटेल? देखिए, रामनिवास रावत को लेकर चर्चाएं थी कि उन्होंने कांग्रेस इसलिए छोड़ी है क्योंकि उनको बीजेपी में महत्वपूर्ण पद दिया जा रहा है, वो विधायक है और इलाके में अपनी धाक स्थापित करने के लिए और बीजेपी को मजबूत करने के लिए रामनिवास रावत अगर बीजेपी में आते हैं तो रामनिवास रावत को कद के अनुरूप कोई ना कोई पद देना जरूरी है। और ऐसा राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कमिटमेंट किया था बीजेपी से रामनिवास रावत ने कि अगर बीजेपी में शामिल होंगे तो उनको मंत्री पद दिया जाएगा। तो ऐसे में रामनिवास रावत को मंत्री पद से नवाजने के लिए ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसमें केवल शामिल किए जाएंगे, बहुत ज्यादा फेरबदल की उम्मीद नहीं है। और एक नाम और है जो सीनियर बीजेपी के विधायक है, उनके नाम पर और जरूर विचार किया जा सकता है, कोशिश की जा रही है हाईकमान से बात करके दबाव डालने की, ताकि अब जो खाली 3 पद और है इनमें से कुछ लोगों को एडजस्ट किया जाए, लेकिन रामनिवास रावत का मंत्री बनाया जाना तय माना जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा अभी अगर हम मंत्रिमंडल की स्थिति को देखें, उसको समझे, उसकी संख्या को समझे और कितनी जगह बची हुई है उसके बारे में अगर आपको जानकारी दे पाए। मंत्रिमंडल में अभी काफी जगह है और ऐसा नहीं है कि सारी सीटों को भरा जाना जरूरी है। 33 मिनिस्टर्स हो सकते हैं मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में और अभी संख्या बाकी है, तो 3 से 3 मंत्री अभी और शामिल हो सकते हैं मुख्यमंत्री समेत। तो अभी 3 में से 1 ज्यादा कुछ जगहों को इसलिए खाली छोड़ा जाता है ताकि भविष्य में यदि कुछ संभावनाएं बने और राजनीतिक परिस्थितियां हो जिसमें कुछ लोगों को मंत्री बनाया जाना चाहिए, तो ऐसे में कुछ पद रिक्त रखे जाते हैं, खाली रखे जाते हैं। तो 3 में से ये तो तय है कि रामनिवास रावत को चूंकि कमिटमेंट कर चुकी है बीजेपी, इसलिए उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। और कुछ नाम और हैं जिन पर भी विचार किया जा सकता है, जो सीनियर बीजेपी के विधायक छूट गए हैं या क्षेत्रीय समीकरणों के हिसाब से उनको लिया जाना चाहिए। कमलेश शाह भी एक नाम हो सकते हैं, कमलेश शाह हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में आए, चुनाव लड़ रहे हैं और मंत्री बनने के लिए बाध्यता नहीं है कि आप विधायक हो, ये बात जरूर होती है कि आप यदि मंत्री बनाए जाते हैं तो 6 महीने के अंदर उनको विधायक का चुनाव लड़ना पड़ता है, तो ये बाध्यता 6 महीने के बाद की है। और ये आने वाले दिनों में कमलेश शाह को भी मंत्रिमंडल में जगह देकर छिंदवाड़ा में एक कांग्रेस बीजेपी को मजबूत करने की स्थिति जो बनाई जानी है उसमें कमलेश शाह भी एक जरिया हो सकते हैं, तो उम्मीद है कि उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। बीजेपी में भी चर्चा है लेकिन हाईकमान से चर्चा करने के बाद में मोहन यादव इस मामले में फैसला लेंगे और मंत्रिमंडल विस्तार के वक्त में इन सारे पहलुओं पर विचार करेंगे। ठीक है, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच देखिए भोपाल से आ रही बड़ी खबर बता दें, जहां पर थोड़ी देर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी। रविंद्र भवन को शानदार तरीके से देखिए सजा भी दिया गया है, 1000 से ज्यादा पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। बता दें कि पहली बार मंडल अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे। एमपी के जो कुल 6 केंद्रीय मंत्री हैं उनका भी यहां पर स्वागत होगा। रविंद्र भवन में बकायदा योजनाओं की भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी और कार्यकर्ताओं के लिए ई पंजीयन की भी व्यवस्था है, यानी कि ई रजिस्ट्रेशन करके कार्यकर्ता इसमें शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पर पहुंचने वाले हैं, फिलहाल वो इंदौर में मौजूद हैं, लेकिन इस
बैठक के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। रविंद्र भवन को देखिए कितने शानदार तरीके से सजा दिया गया है। इस बैठक में एक तरीके से माना जा रहा है कि जीत का जश्न मनाया जाएगा। जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपना योगदान दिया और बेहतर प्रदर्शन के लिए कहीं ना कहीं उनका एक योगदान रहा, उसके लिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा। 6 केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे और इसको लेकर के सभी तैयारियां इस वक्त पूरी हो चुकी है। माना जा रहा है कि संगठन में बदलाव भी इस बैठक के बाद किए जा सकते हैं। गौरव गुप्ता इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी भोपाल से इसके लिए लाइव जुड़ रहे हैं। गौरव, अगर वहां पर अगर मौजूद हैं आप और वहां की तस्वीरें दिखा पाए तो जरा सबसे पहले दिखाइए कि बैठक से पहले की तैयारियां क्या, वहां पर क्या विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि बैठक आज कार्य समिति की बैठक होनी है बीजेपी की, और अपने आप में जीत के बाद एक बड़ी बैठक जहां तमाम जो दिग्गज नेता है, तमाम जो पूरी लीडरशिप है बीजेपी की, वो यहां पर मौजूद रहेगी। इस वक्त मैं मौजूद हूं, देख सकते हैं यहां पे जो है बैठक इस कॉरिडोर में चल रही है और नेताओं का जो है आना शुरू यहां पे हो चुका है, क्योंकि लंच के बाद ही जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़ी बैठक के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके की जीत बीजेपी को लोकसभा और विधानसभा में मिली थी, उसके बाद जो ये जो बैठक है अपना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होती है कि जब कोई भी इतनी बड़ी जीत मिलती है तो ऐसे में जिन कार्यकर्ताओं का, जिन नेताओं का योगदान रहता है, और ऐसे में साफ तौर पर जो योगदान कार्यकर्ताओं का रहता है उनको प्रोत्साहित किया जाता है। और साफ तौर पर जिस तरीके से बीजेपी को जीत मिली है, कहीं ना कहीं उन नेताओं का, उन मंत्रियों का भी स्वागत किया जाएगा आज जो यहाँ पे सांसद बने थे, केंद्र में जो मंत्री बनकर पहुंचे हैं, और तैयारियां जो है लगभग पूरी हो चुकी है, नेताओं का आना शुरू हो चुका है। हालांकि बैठक लंच के बाद ही शुरू होगी, तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरीके की तैयारियां यहाँ पे है, नेता भी लगातार पहुंच रहे हैं। और क्योंकि इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद है गेट नंबर 6, और सबसे बड़ी बात कि जो तमाम 6 मंत्री हैं के सरकार में जो पहुंचे हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, और एक तरीके से यहाँ पर जो तैयारियां हैं आने वाले समय में बीजेपी क्या रहने वाली है, सरकार की क्या कार्यप्रणाली रहने वाली है, बीजेपी की क्या कार्यप्रणाली रहने वाली है, उसको लेकर जो है चर्चा यहाँ पे की जाएगी। और जो रणनीति बीजेपी की अब तक मध्य प्रदेश में देखने को मिली है, उसको आगे किस तरीके से बदला जाए, किस तरीके से उसे और बेहतर किया जाए, इस पर भी यहाँ चर्चा की जानी है। क्योंकि एक तरीके से जो यहाँ पर माहौल रहने वाला है वो जश्न का माहौल रहने वाला है, क्योंकि एक शानदार जीत लोकसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी को मध्य प्रदेश में मिली है, क्योंकि 29 की 29 लोकसभा सीट जीत पाने में बीजेपी कामयाब हुई है, और ऐसे में अपने आप में बहुत बड़ी जीत हो जाती है। जिन जिन नेताओं का, जिन जिन पदाधिकारियों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनकी भी वहां पर प्रशंसा की जाएगी। क्योंकि देखिए, कार्य समिति की जो बैठक होती है इसमें कई सारे प्रस्ताव भी लाए जाते हैं पार्टी को लेकर, पार्टी में बदलाव को लेकर, और ये सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है कि मंडल अध्यक्षों की सूची में, या हम बात करें पूरे संगठन के स्ट्रक्चर में, काफी कुछ बदलाव आने वाले समय में हमें बीजेपी में देखने को मिल सकता है, और उसकी जो तैयारियां है वो यहाँ पर देखने को एक तरीके से मिल रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, एक बार हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भूपेंद्र सिंह जी भी हैं यहाँ पे, जो है मध्य प्रदेश के, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर आज कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, सर कार्य समिति की बैठक होती है, कितना महत्वपूर्ण आज की ये बैठक होती है बीजेपी? देखिए, निश्चित रूप से आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, और हमारे प्रदेश भर के मंडल तक के कार्यकर्ता आज की बैठक में बुलाए गए हैं, और हमारे सभी वरिष्ठ नेता, एक तरफ जो हमें शानदार सफलता मिली है मध्य प्रदेश में, हमने 29 की 29 लोकसभा सीट जीती है, इस शानदार सफलता के लिए कार्यकर्ताओं को बधाई, शुभकामना, धन्यवाद, ये सब इसके साथ साथ आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी। सर आज प्रशंसा भी की जाएगी, 6 जो मंत्री बने हैं केंद्र में उनका भी आज स्वागत किया जाएगा? निश्चित रूप से पूरा एक कार्यक्रम बना हुआ है, और उस कार्यक्रम के अनुसार आज कार्यक्रम चलेगा, और जो हमारे अतिथि हैं वो अभी थोड़ी देर में पहुंचेंगे, थोड़ी देर में पहुंचेंगे अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। शर्मा है वो भी इस समय मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, सुनना चाहेंगे दर्शकों की वो इस वक्त क्या बोल रहे हैं। और देखिए, रविंद्र भवन में आपको दोबारा लिए चलेंगे, लेकिन